नमस्कार साथियों, आज हम राज्य व्यवस्था में राज्य सरकार के बारे में चर्चाएं करेंगे। राज्य सरकार का जो मामला है यह संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार आज अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये संविधान के भाग 6 में है एवं अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। राज्य सरकार भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 देखिएगा। मैं पहले छोटा सा एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं सरकार का, क्योंकि देखो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है राज्य और सरकार, एक केंद्र सरकार है और ये अपना है राज्य सरकार। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सरकार का कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं, सरकार क्या होती है। तो सरकार की अगर मैं सामान्य परिभाषा की बात करूं तो सरकार वह संस्था है जो राज्य के कार्यों का संचालन करती है। दोबारा देखो कि सरकार वह संस्था है जो राज्य के कार्यों का संचालन करती है, क्या कहलाती है सरकार। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा देखिए अपन शुद्ध रूप से, ये तो एक सरल सी सामान्य परिभाषा है। शुद्ध रूप से सरकार किसे कहते हैं कि सरकार वह अमूर्त, सोचो सरकार वह मूर्त संस्था है जो राज्य रूपी अमूर्त संस्था की इच्छाओं की पूर्ति करती है सरकार कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, ये तो थी सरकार की सामान्य सी परिभाषा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, 3। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिएगा पहले अंक की अपन बात करते हैं तो विधायिका को अपन दूसरा नाम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, कि विधायिका का ही दूसरा अर्थ है व्यवस्थापिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण, यानी सरकार का जो पहला अंग है विधायिका, इसका मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। अब अपन राज्य सरकार पढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार में कानून का निर्माण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। और विधानमंडल का उल्लेख है
अनुच्छेद 168 से 212 सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। जैसे विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, वैसे ही कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। यानी कार्यपालिका के द्वारा कानून को लागू किया जाता है। अगली बात, विधायिका का उदाहरण राज्य सरकार में विधानमंडल है, तो कार्यपालिका का उदाहरण राज्य सरकार में क्या है? तो देखिएगा कि राज्य सरकार में कार्यपालिका में एक शामिल है राज्यपाल, इसके बाद भी शामिल है सीएम एवं मंत्री परिषद, और इसके बाद भी शामिल है महाअधिवक्ता। सीधा एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य सरकार की कार्यपालिका में शामिल है ए राज्यपाल, बी सीएम एवं मंत्री परिषद, सी महाधिवक्ता, डी ये सभी। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका में ये सभी शामिल होते हैं, और राज्य सरकार की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 153 से 167 के बीच। कहां से कहां तक है? 153 से 167 के बीच। इसके बाद में सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना। अब संघ सरकार में न्यायपालिका का उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट, जबकि राज्य सरकार में न्यायपालिका का उदाहरण है हाई कोर्ट। और हाईकोर्ट का जो उल्लेख दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 214 से 231 के बीच। कहां से कहां तक दिया गया है? अनुच्छेद 214 से 231 के बीच दिया गया है। दोबारा सुन लीजिएगा कि सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, विधायिका का उदाहरण है विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल के द्वारा राज्य सरकार में कानून का निर्माण किया जाता है, तथा इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 से 212 के बीच दिया गया। इसके बाद में है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। राज्य सरकार की कार्यपालिका में नंबर एक राज्यपाल शामिल है, नंबर दो सीएम एवं उसकी मंत्री परिषद शामिल है, नंबर तीन महाअधिवक्ता शामिल है, एवं कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 के बीच दिया गया है। इसके बाद में है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना। जिस प्रकार संघ सरकार में कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, वैसे ही राज्य सरकार में कानून की व्याख्या हाई कोर्ट द्वारा की जाती है, तथा हाई कोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 214 से
231 के बीच दिया गया है। अब देखिएगा राज्य सरकार का वैश्विक मूल्य कहां से कहां तक है, 152 से 237 के बीच। अपन कहां तक पहुंचे हैं, अनुच्छेद 231 के बीच तक। अब अनुच्छेद 233 से 237 के बीच अधीनिस्थ कोर्ट की व्याख्या है, या अपन कह सकते हैं अधीनिस्थ न्यायालयों की व्याख्या है। इसके बाद आपके माइंड में एक स्वाभाविक सा प्रश्न आ रहा है कि सर ये 212 और इधर 214 आ रहा है, तो 213 जो आर्टिकल है वो कहां है। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जिसको अपन राज्यपाल के साथ देखेंगे। दोस्तों ये तो था अपना एक जनरल सा इंट्रोडक्शन राज्य सरकार के बारे में, डायग्राम। अब अपन राज्य सरकार की जो पॉइंट ले रहे हैं राज्य सरकार का, वो लेंगे कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका की शुरुआत देखिएगा कहां से हो रही है, 153 से 167 के बीच। तो देखिएगा दोस्तों राज्य सरकार की कार्यपालिका। पॉइंट अपना आ रहा है राज्य सरकार और कार्य। देखिएगा राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन शामिल है, अभी बताया मैंने आपको। पहला राज्यपाल शामिल है, दूसरा इसमें सीएम एवं उसकी मंत्री परिषद शामिल है, और तीसरा इसमें शामिल है महाअधिवक्ता। और इन सभी पॉइंट्स का उल्लेख संविधान के 153 से 167 के बीच दिया गया है। तो अपन अब पहला पॉइंट ले रहे हैं राज्य, लेकिन राज्यपाल शुरू करने से पहले आपको मैं पहला अनुच्छेद बताता हूं, अनुच्छेद 152, क्योंकि राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है वो कहां से शुरू हो रही है, 153 से, जबकि शुरुआत राज्य सरकार है जो भाग 6 में है वो अनुच्छेद 152 से हो रही है। तो अनुच्छेद 152 में देखिएगा, इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है, राज्य को। देखिएगा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों संविधान के 3 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 12 है, एक अनुच्छेद 36 है, एवं एक अनुच्छेद अभी आप पढ़ रहे 152। इन तीनों अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है। आप कहेंगे सिंपली सब क्वेश्चन भी हो सकता है कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है। दोबारा सुन लीजिएगा आपका क्वेश्चन कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है,
और एक बार पूछा भी जा चुका है ग्रेड सेकंड के अंदर, जिस प्रकार जैसे ए 12, 35, 141 इस प्रकार से हो सकता है, बी 12, 36, 162, सी 12, 36, 152, डी 12, 33, 53 इस प्रकार से हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा सी, कि संविधान के तीन अनुच्छेद हैं 12, 36 और 152, इन तीनों अनुच्छेदों में किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है। अब राज्य की जो डेफिनेशन है वो जब मैं आपके मूल अधिकार शुरू करूंगा तो वहां पे अनुच्छेद 12 से परिभाषित करेंगे राज्य को, लेकिन अभी तक तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राज्य है वो 12, 36 और 152 में परिभाषित किया गया है। अब अपने राज्य सरकार की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें पहला पॉइंट आपके सामने है राज्यपाल, तो सुनिएगा दोस्तों राज्यपाल के बारे में। यह आपका पॉइंट है राज्यपाल। राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया है विथ आर्टिकल, वो किया गया है अनुच्छेद 153 से 160 तक। अनुच्छेद 153 से 160 के बीच राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है। वैसे तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल के समाधान की शक्ति के बारे में उल्लेखित करता है, तो अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। 161 को अपने राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के साथ देख लेंगे, इसीलिए राज्यपाल का जो उल्लेख है विथ आर्टिकल वो पहले अपन इतना इतना ध्यान देंगे अनुच्छेद 153 से लेकर के 160 तक। सुनिएगा एक विशेष पॉइंट, इसे समझिएगा दोस्तों पहले कि किस प्रकार से अपन राज्यपाल के पहुंचे। देखिएगा भारत में केंद्र प्लस राज्य दोनों के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, चाहे वो संघ सरकार की बात करें अपन और चाहे वो राज्य सरकार की बात करें, संघ सरकार में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है तथा राज्य सरकार में भी संसदीय शासन प्रणाली है। दूसरा पॉइंट, ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहां से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन से ली गई। देखिएगा अब अपने माइंड में एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है, जहां से अपन राज्यपाल को शुरू करेंगे, फिर संसदीय शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है वो पहली विशेषता यह है कि इस शासन प्रणाली में सरकार का एक अंग है कार्यपालिका। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में? दो भागों में।
एक होता है संवैधानिक प्रमुख और एक होता है राजनीतिक प्रमुख। इसी का अपन है अगर दूसरा नाम ले तो संवैधानिक प्रमुख का मतलब है नाम मात्र की कार्यपालिका, जबकि राजनीतिक प्रमुख का मतलब है वास्तविक कार्यपालिका। देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, संवैधानिक प्रमुख पहला भाग, इसी का दूसरा नाम अपन ये कह सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरा है राजनीतिक प्रमुख, इसी को अपन कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका। अब राज्य सरकार में संवैधानिक प्रमुख ओब्लिक नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है राज्यपाल, जबकि राज्य सरकार में वास्तविक कार्यपालिका या राजनीतिक प्रमुख का उदाहरण है मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। तो अब अपन को इतना तो ध्यान पड़ गया कि अपन जो राज्यपाल टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो राज्यपाल केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है। कौन सी कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख। दोबारा सुन लीजिएगा कि भारत में शासन की कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली की वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है कि यह उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तीसरी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त हो जाती है, पहले नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। राज्यपाल है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है राज्य सरकार में, और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो राज्य सरकार में वास्तविक कार्यपालिका है। तीसरी विशेषता चाहे आप केंद्र में लें या राज्य में लें, संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत दल का शासन होता है। चौथी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में निचले सदन का विघटन होता है, और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का या राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। अब आपको इतनी विशेषताएं ध्यान न रखते हुए ये मुख्य विशेषता आप याद रखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक कार्यपालिका है। अब अपन जो पॉइंट शुरू कर रहे हैं राज्यपाल, तो अपन ये कह सकते हैं कि राज्यपाल है वह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। देखिएगा राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ कथन भी कहे जाते हैं, और वो कथन सुनिएगा। पहला कथन है सरोजनी नायडू का,
सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है कि राज्यपाल, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया। सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल है उस सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है। दूसरा कथन है पट्टा भी सितार नहीं है, पट्टा भी सितार मैया ने राज्यपाल के ये क्या कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों को चाय नाश्ता करवाना है, कि राज्यपाल का कार्य सिर्फ मेहमानों को चाय नाश्ता करवाता है। इसके बाद तीसरा कथन है विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित ने राज्यपाल पद के बारे में क्या कहा है कि राज्यपाल का पद केवल आकर्षक वेतन मात्र है। राज्यपाल का पद केवल आकर्षक वेतन मात्र है, यह कहा है विजय लक्ष्मी पंडित ने। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट आता है नेहरू जी का, और नेहरू जी ने राज्यपाल के पद के बारे में कहा है कि यह शासन का या गाड़ी का पांचवा पहिया है। कौन सा पहिया है? पांचवा। देखिएगा दोस्तों, ये जो सारे कथन आ रहे हैं, सरोजिनी नायडू का कथन आ रहा है, पटावी सितार भैया का कथन आ रहा है, विजय लक्ष्मी पंडित का कथन आ रहा है, या फिर नेहरू जी का कथन आ रहा है, ये सारे कथन राज्यपाल को नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में दर्शाते हैं कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है या नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्लियर दोस्तों यहां तक? इसके बाद अब अपन अनुच्छेद 153 से 160 तक के बीच संविधान में राज्यपाल के बारे में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। विथ आर्टिकल राज्यपाल के बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में देखेंगे। तो अब अपन पहला अनुच्छेद दे रहे हैं अनुच्छेद 153। देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 153, और यहां से एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां से 153 में लिखा क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय अपने मूल संविधान अनुच्छेद 153 में लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन इस व्यवस्था में 7वें संविधान संशोधन
1956 के तहत परिवर्तन किया गया और सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह कहा गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। मूल संविधान में क्या था, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस व्यवस्था में परिवर्तन कब किया गया, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया और इसके तहत क्या कहा गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब यहां से ऐसा ही भी क्वेश्चन आया था और वहां पूछा गया था कि एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, एक राज्य का, दो का, तीन का या इससे अधिक का। तो उसमें राइट आंसर था कि एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक, यानी यहां पे ये नहीं कहा गया है कि वो दो का होगा, तीन का होगा, चार का होगा या पांच का होगा। तो उसमें राइट आंसर था डी, इससे अधिक का। तो ये था अपना अनुच्छेद 153। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित हो। दोबारा सुन लीजिएगा, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग दो प्रकार से करें। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग कितने प्रकार से करेगा, दो प्रकार से। पहला लिखा है सर्वविवेक से और दूसरा लिखा है अधीनिस्थों के माध्यम से। सर्वविवेक का मतलब है वो या तो खुद इन शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं अधीनिस्थों का, यहां अर्थ है सीएम एवं उसकी मंत्री परिषद के परामर्श। ये दो व्यवस्थाएं दी गई है अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्तियों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 163 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, 163। तो राज्यपाल शक्तियों का जो प्रयोग है वो दो प्रकार से करेगा, एक स्वयं कर सकता है सर्वविवेक से भी कर सकता है और दूसरा वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनिस्थों के माध्यम से करेगा। और अधीनिस्थ का मतलब अपन ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के परामर्श। ये लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 154। तो वापस देख लीजिएगा अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत और इसके तहत कहा गया कि एक व्यक्ति को
दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर अपन बात कर रहे हैं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कि राज्यपाल की राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी एवं राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग दो प्रकार से करेगा। नंबर एक स्वविवेक से और नंबर दो अधीनस्थों के माध्यम से। अधीनस्थ का अर्थ है सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, जबकि स्वविवेक की शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है राज्यपाल की वो किया गया है अनुच्छेद 163 के अंदर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 155 और अनुच्छेद 155 में लिखा गया है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है और कहा क्या गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। जो कि सीधा सा प्रश्न हो गया, लेकिन यहां पे एक मुद्दा आया था दोस्तों और इस मुद्दे पे आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो क्या मुद्दा बता रहा हूं मैं, क्या राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन है? क्या वो स्वतंत्र नहीं है? तो यहां एक वाद आता है, एक डिबेट आती है, एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है हरि गोविंद खुराना वर्सेस रघुकुल तिलक। देखिएगा हरगोविंद खुराना वर्सेस रघुकुल तिलक वाद में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र के अधीन पद नहीं है। राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन नहीं है, यह स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है। यह स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद है, याद रखना कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र है और संवैधानिक पद है। यह पद है जो राज्यपाल का है वह केंद्र के अधीन नहीं है। यह विवाद पूछा जा चुका है। दोबारा सुन, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि केंद्र के द्वारा की जाती है। तो यहां पे एक विवाद बन करके आया था कि क्या राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन है, क्या स्वतंत्र नहीं है वो? तो हरिगोविंद खुराना वर्से रघुकुल तिलक वाद में कहा गया था कि यह जो राज्यपाल का पद है ये स्वतंत्र है
संवैधानिक पद है, ये केंद्र के अधीन पद नहीं है। अगला, राष्ट्रपति के राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, केंद्र करता है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? तो यह प्रावधान लिया गया है कनाडा की संविधान से। कहां से लिया गया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपनी बात हो गई 153 पे, अपनी बात हुई 154 पे, और अपनी अब बात चल रही है अनुच्छेद 155। 153 में तो सीधा लिखा था प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और कहा गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर अपनी बात हुई अनुच्छेद 154 पे। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह संपूर्ण शक्ति राज्यपाल में ही तो होगी, तथा राज्यपाल इस शक्ति का दो प्रकार से प्रयोग करेगा, संविवेक एवं अधीनिस्थों के द्वारा। अधीनिस्थ का मतलब था मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद, जबकि राज्यपाल की संविवेक की शक्तियों का जो उल्लेख है वो संविधान का अनुच्छेद 163 करता है। इसके बाद अपनी बात हुई अनुच्छेद 155 पे, जिसमें लिखा गया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र द्वारा की जाती है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये प्रावधान लिया गया है कनाडा से। फिर ये मुद्दा याद रखोगे कि क्या राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन है? तो ये वाद आया यहां पे हरिगोविंद खुराना वर्सेस रघुकुल तिलक वाद, और इस वाद में स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र के अधीन नहीं है, वह अपने आप में स्वतंत्र पद है एवं संवैधानिक पद है। ठीक है दोस्तों, आज अपन यहां तक ही चर्चा कर पाएंगे अनुच्छेद 155 तक। कल बात करेंगे अपन आगे के पॉइंट के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।